नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप मेरे से पूछ रहे हो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो अगर आप मेरे से पूछते व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर तो अगर मेरे सिंपल वर्ड्स के अंदर हम बोलते हैं तो वहां पे क्या होगा, इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, हाउ दे चूज द लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इन सच ए वे दैट कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सोसाइटी गेट मैक्सिमम वेलफेयर। तो इट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मगर आपके दिमाग में जनरेट हो सकता है क्या एग्जैक्टली यही हम लिखे एग्जाम में? नो स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आता है तो हम प्रेफर करेंगे एक रिनोन्ड इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। लॉयनल रॉबिन्स इन 1932 में उन्होंने हमें एक डेफिनेशन दी थी विच इज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड करंट डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो वो डेफिनेशन क्या है, वो है इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयरनेस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब इधर एंड्स का मतलब है ह्यूमन वांट्स और स्केयर मींस का मतलब है रिसोर्सेस जो कि लिमिटेड है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस है। तो रॉयल रॉबिन्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है एक रिलेशनशिप की तरह बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस एंड द वांट्स ऑफ द ह्यूमन।